दिलीप जी, अमर्त्य सेन ने कहा है कि जय श्री राम का जो नारा है, जो स्लोगन है, वो बंगाली कल्चर के साथ जाता नहीं है। यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है, यहाँ पे रामनवमी नहीं होता। नहीं, ना बंगाली कल्चर ना भारतीय कल्चर, किस कल्चर के बारे में उनको जानकारी है? यहाँ की जिम्मेदारी लेना पड़ता है, लोगों का सुख दुख पर रहना पड़ता है, तब पता चलता है। जय श्री राम तो गाँव गाँव में लोग बोल रहे हैं, पहले कुछ लोग बोलते थे, पूरा बंगाल बोल रहा है। शायद वो बंगाल को नहीं जानते हैं, इसलिए उनका विचारधारा, उनका विचार लोगों ने त्याग दिया। यहाँ पर जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश ममता बनर्जी सरकार तृणमूल के द्वारा हो रहा है, जय माँ काली जय दुर्गा कहकर, क्या आपको लगता है अमर्त्य सेन भी उसी लैंग्वेज में बात करें, उसी भाषा में, तृणमूल के भाषा में? देखिए, अमर्त्य सेन किस भाषा में बात कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, कब किस भाषा में बात करते हैं, लेकिन लोग उनका भाषा को स्वीकार नहीं करते हैं। बंगाल में सबको नकारा, प्रो कम्युनिस्ट, सेकुलरिस्ट, टीएमसी जितने भी थे, सबका नकार करके लोगों ने बीजेपी को वोट देकर दिखाया कि जय श्री राम ही बंगाल में चलेगा।